हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो सोमवार का आज मैं व्रत रखी हूँ। तो मैं पूरा 8 व्रत पूरा करती हूँ। तो इस बार तो हमेशा तो 4 या 5 सोमवार होती है, तो इस बार तो 8 सोमवार हो रही है। तो मैं तो पूरा व्रत करूँगी। और देखिए, मंदिर से पूजा करके तो मैं आ गई हूँ, लेकिन अब मैं घर में पूजा करके आप सबको बताऊँगी। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में कैसे पूजा करें, तो आप सबके साथ यही मैं आज शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मेरी पूजा आप सबको कैसे लगी। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, शंभुनाथ, काशी विश्वनाथ, जय माता रानी की, जय गणपति बापा की जय। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, रानी शर्मा किचन में। तो सावन महीना का सोमवार का आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, यही मैं प्रभु से कामना करती हूँ। सावन महीना शिव जी को अति प्रिय होता है। सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार शिव जी को ही समर्पित होता है। तो सावन के सोमवार में पूजा जरूर करें, व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सोमवार के दिन पूजा जरूर करें। देखिए, हमेशा तो 4 सोमवार या 5 सोमवार होती थी, तो इस बार तो पूरा 8 सोमवार है। मन मास लग रहा है, अधिक मास, तो मैं तो पूरा सोमवार व्रत करती हूँ। तो अगर आप चाहे तो कर सके, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक, पूजा जरूर करें सोमवार का। अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते तो घर में इस तरह से पूजा करें। जो सामान आपके पास है उसी से आप करें, इसमें हमारे भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। तो 10 जुलाई से शुरू होकर इसका समापन हो रहा है 28 जुलाई को। तो मंदिर में जाकर पूजा करें, नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। तो बहुत किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है घर छोड़ के जाना, घर में काम बहुत रहती है, बच्चे को देखना करना, तो फिर बहुत कोई नहीं जा सकते, तो मैं इसलिए बताई हूँ आप सबको। तो घर में भी आप इस तरह पूजा कर सकते हैं। तो आपके पास अगर शिवलिंग ना हो तो आप मट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा करिए, और फिर उसे कोई गमले में डाल दे, विसर्जन कर दे, और फूल पत्ते को भी इधर उधर ना फेंके, ये सब भी आप गमले में डाल दे, तो ये गल जाती है और ये खाद के रूप में खाद बन जाती है। तो शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करें, पूजा आराधना जरूर करें। सोम में आज आप सभी के साथ पूरा विधि सभी को बताऊंगी, और एकदम सरल और आसान तरीका से पूजा करके आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आप भी जरूर करिएगा। तो बहुत ही सरल उपाय मैं आप सबके साथ बताऊंगी। तो देखिए, मैंने भी पूजा किया। तो आपके पास दूध, दही, घी, शक्कर जो भी हो, अगर नहीं भी हो तो आप सिर्फ जल से भी डालकर पूजा कर सकते हैं। तो जल चढ़ाकर फूल पत्ता फल फ्रूट आपके पास जो हो, दिया आरती, दिया जलाएं, धूप दिखाएं, दक्षिणा रखें, और जो फूल है आपके पास वही फूल चढ़ाएं। तो क्षमा प्रार्थना भी जरूर करें, और फिर शिव चालीसा पढ़े, रुद्राज की माला में 108 बार माला का जाप करें। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएंगे, और एक पीढ़ा चौकी जो आपके पास है वो ले लेंगे। अब इसमें गंगा जल छिड़क के हम पीला चाहे सादा जो आपके पास है वो कपड़ा बिछा देंगे। तो मेरे पास पीला कपड़ा है तो हम पीला कपड़ा ही बिछा देंगे। अगर आपके पास सादा कपड़ा हो तो आप सादा कपड़ा बिछा दें इस तरह से। अब हम एक थाली रखेंगे। अब हम इसमें स्वास्तिक बना देंगे। शिव जी को आसन कराने के लिए आप स्वास्तिक ओम कुछ भी बना सकते हैं। तब हम इसमें एक फूल रख देंगे। तब हम इसमें शिवलिंग को रखेंगे। शिवलिंग का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह शिवलिंग ना हो तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, सावन महीना में वो तो बहुत ही अच्छी होती है। तब हम इसमें नंदी बाबा को भी रख देंगे। तो हम जल में अक्षत, मिश्री, फूल, चंदन सब डालकर हम पहले शिव जी, गंगा जल भी हमने इसमें डाल दिया, तो पहले शिव जी को हम रखें। तब हम एक धारा से अब हम इसमें पहले
जलधारा में जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तब हम पहले जल से स्नान करवाएंगे, उसके बाद हम पंचामृत बना लिए, इसमें दूध दही घी मधु शक्कर गुड़ दे दिए और इसमें थोड़ी सी हम भांग दे दिए। अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ दूध से ही पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास सब चीज़ थी तो मैं इस पंचामृत बना ली। तो पंचामृत सब स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो सावन के महीने में पंचामृत से स्नान करने से बहुत ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। तब हम मैं जल से स्नान करवा दूंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो शिव जी को अब हम स्नान करा लिए। अब हम ये जल को हम गमला में, पौधा में, चाहे बगान में कहीं भी डाल देंगे, लेकिन तुलसी जी में ये जल को नहीं डालना है। तब हम शिव जी को पोंछ के दूसरा थाली में रखेंगे। तो अब हम शिव परिवार की फोटो रख लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम अक्षत डाल देंगे। तो देखिए अब हम ये शिव परिवार के फोटो रख देंगे। इसमें गणेश जी, माता जी और भोले बाबा सब हैं। तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा करें। तब मैं एक थाली यहाँ पे रख दूंगी। तब हम इसमें फिर से स्वास्तिक बनाएंगे। अब यहाँ ओम बना देंगे। तब हम एक बेल पत्ता रखेंगे और इसका डंठल तोड़ देंगे। तो बेल पत्र को हम पलटी करके रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ एक फूल रख देंगे। अब हम इसमें शिव जी को आसन देंगे बेल पत्र में। हम नंदी बाबा को इधर रख देंगे। तो शिव जी में आप चंदन से ही टीका लगाएं, इसमें हल्दी कुमकुम इन सब ना लगे। तो मैं अष्टगंध से टीका लगा दूंगी। ये भोले बाबा को बहुत पसंद है। तो इसी से मैं त्रिकोण भी इस तरह बना दूंगी। तो आप अंगूठा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए इस तरह से हमने टीका लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ओम लिख देंगे, ओम का आकार दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गणेश जी, कार्तिक जी और अशोक सुंदरी को भी हम यहाँ पे टीका लगा देंगे। अब हम नंदी बाबा को भी टीका लगा देंगे। तब हम भस्म चढ़ा देंगे। तो अगर आपके पास भस्म ना हो तो आप कंडा जलाकर उसका भी भस्म बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो अब हम दीप को आसन देंगे। तो ये देखिए थाली में हमने स्वास्तिक बना दिए, फूल और अक्षत डाल दिए। तब हम पहले दीप जला प्रज्वलित करेंगे। पूजा के पहले दीप जलाना जरूर रहता है, क्योंकि दीपक ही साक्षी रहता है पूजा का। तब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा, शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमस्तुते। तब हम दीपक को प्रणाम करेंगे। तब हम दीप प्रज्वलित कर लिए। तब हम इसके बाद ही पूजा शुरू करेंगे। तो हम गणेश जी, माता जी और भोले बाबा को चंदन टीका लगा दिया और माता गणेश जी को कुमकुम और सिंदूर लगा देंगे इस तरह से। और माँ को सिंदूर लगाने के बाद हम भी अपने माथा में टीका और सिंदूर लगा लेंगे। ये माँ का आशीर्वाद बना रहता है। तो आप तेल या घी, जिससे भी जो भी आपके पास हो उसी से आप दीपक जला ले। तो मैं तो तेल से जलाई हूँ, मैं फिर बाद में घी से दीपक जलाऊंगी। फोटो में मैं जल से स्नान करा दी थी, फूल से मैं, उसके बाद हम टीका लगा दिए। अब हम इत्र लगाएंगे इस तरह से, अंगूठा से ना लगा, इस तरह से उंगली से शिव जी को इत्र लगा देंगे सब तरफ। ऐसे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इत्र हम पहले लगा दिए हैं। हम इस तरफ कलावा से माला बनाकर चढ़ा देंगे। तो कलावा चढ़ा दिए हैं। तब हम लाल चंदन भी लगा देंगे। अक्षत ले लेंगे, अक्षत टूटे हुए ना हो, आप अच्छी तरह से देख ले अक्षत को।
तो देखिए अब हम भोले बाबा को अक्षत चढ़ा देंगे। तो मैं देख ली हूँ इसमें टूटा हुआ अक्षत नहीं, टूटा हुआ अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः अक्षत समर्पयामि। अब हम गुलाल चढ़ाएंगे। तो देखिए हमने पीला वाला गुलाल ले लिए हैं, तब हम गुलाल चढ़ाएंगे, फोटो में भी चढ़ा देंगे। तो देखिए हम पांच सफेद के फूल पहले लेंगे, तो हम इस तरह फूल पहले चढ़ाएंगे। पुष्प समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, तरानी को लाल पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्प समर्पयामि। तो ये कनेल के फूल है, ये भी चढ़ा देंगे हम। जो जो फूल शिव जी को चढ़ते हैं, आपको जो फूल मिले आप जरूर लगाए, जरूर चढ़ाएं। तो ये देखिए ये अपराजिता की फूल है, इसे भी हम चढ़ा देंगे, नीलकंठ। ये शिव जी को बहुत ही पसंद है। तो ये गुलाब के फूल है, इसे भी हम चढ़ा देंगे। इधर गणेश भगवान को लाल फूल चढ़ा देंगे, माता रानी को लाल फूल चढ़ा देंगे। तो ये देखिए हमने आकड़ा का फूल भी लिए हैं, अब ये आकड़ा का फूल भी चढ़ा देंगे। धतूरा, जो भी फूल आपको मिले सब चढ़ा दें। तो इस तरह अब हम दो आकड़े के पत्ता लिए, ये भी भोले बाबा को बहुत पसंद है, तो मैं ये पत्र भी चढ़ा दूंगी, आकड़े के पत्र। तो देखिए हमने पांच शमी पत्र ले लिए, तब हम शमी पत्र चलाएंगे, तब हम शमी पत्र भी चढ़ाएंगे। तो शमी पत्र शिव जी को बहुत ही प्रसन्न है, तो बोलते हैं शमी पत्र चढ़ाने से 100 बेल पत्र के बराबर होते हैं। तो ये मेरे घर में ही मैं पेड़ लगाई हूँ, तो उसी से मैं लेके आया। तो शमी पत्र चढ़ा देंगे हम इस तरह से, शमी पत्र समर्पयामि, शमी पत्र समर्पयामि। तो हम दूर्वा घास ले लिए, तो पहले हम गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा देंगे। तो ये देखिए अब हम शिवलिंग में भी चढ़ा देंगे दुर्गा, ओम शिवाय, ओम शिवाय, दुर्गा समर्पयामि। तो देखिए हमने पांच बेल पत्र ले लिए, और इस तरह हम चंदन का टीका लगा दिए, और हम डंठल तोड़ दिए। बोलते हैं डंठल में पाप का वास होता है, तो इसलिए डंठल तोड़ के ही चढ़ाए बेलपत्र। और जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो उसको उल्टा ही चढ़ाएं, तब हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र समर्पयामि, बेलपत्र समर्पयामि, ओम शिवाय, बेलपत्र समर्पयामि। तो अब हम भांग चढ़ाएंगे, अगर आपके पास भांग हो तो थोड़ा भांग चढ़ा दे शिव जी पर। तो इस तरह हम भांग चढ़ा देंगे, भांग समर्पयामि। हम जल यहाँ पे रख देंगे एक लोटा, तो आपके पास जो भी भोग हो भोग चढ़ा दे। तो देखिए मैं ले ली हूँ नारियल, केला, आम, खीरा, गाजर, जो मेरे पास था मैं सब फल ले ली हूँ। तो फल भी हम चढ़ा देंगे, भोग समर्पयामि, भोग समर्पयामि। तो अब हम मेवा मिश्री ले लेंगे। तो देखिए काजू, किशमिश, बादाम, मिश्री और गुड़, ये भोले बाबा को बहुत ही पसंद है, तो मैं ये भी चढ़ा दूंगी मेवा भोले बाबा को। तो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। तो देखिए भोले बाबा को बहुत सारे अनाज चढ़ते हैं, जैसे चावल, गेहूं, जौ, मूंग दाल, चना दाल, तो ये सब जरूर चढ़ाएं। तो मंदिर जाने से तो मैं हमेशा एक मुट्ठी चढ़ाती हूँ, तो यह मैं घर में कर रही हूँ, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा सब्जी चढ़ा रही हूँ। तो आपके पास अगर हो तो चढ़ाए, अगर ना हो तो आप इसी तरह पूजा करें। तो अब हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो देखिए जो भी गलती होती है, जो भी कमी हो जाती है, ये दक्षिणा पूरा कर देते, तो दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। तो हम यहाँ पे दक्षिणा रख देंगे, चढ़ा देंगे। तो अब हम धूप दिखा देंगे। तो जब भी आप धूप दीप जो भी आरती करें तो घंटी जरूर बजाएं, तब हम धूप दिखा देंगे। देखिए हम दो फूल वाले लौंग और इलायची ले लेंगे, अगर आपके पास पान पत्ता हो तो पान पत्ता में रख कर इसे चढ़ाएं, तब मैं इसे चढ़ा दूंगा, ये जरूर चढ़ाना चाहिए। हम आरती करेंगे। तो देखिए हमने एक घी का दीपक जला दिया, और ये मिट्टी का दिया में हम इसमें कपूर जला लेंगे। तो इसमें हम दो फूल वाला लौंग भी डाल देंगे, तब हम आरती करेंगे। पहले गणेश भगवान की, फिर माता रानी की, फिर शिव जी की, फिर सारे भगवान देवी देवता का आरती करेंगे हम। इसे कपूरम गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजे विहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवन भवानी सतम नमामि भवन भवानी सतम जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तब हम तीन बार इस तरह से आरती दे देंगे।
तब हम 3 बार परिक्रमा भी कर लेंगे और सारे घर में भी आरती दिखा देंगे। तो आप पूजा करने के बाद शिव चालीसा पढ़ें और रुद्राक्ष माला में ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें और आरती हो जाने के बाद क्षमा जरूर मांगे। पूजा करने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा जरूर करे बोल के इस तरह क्षमा मांग ले, माफ़ी मांगे। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, आपको जरूर क्षमा करेंगे। तो मैं भी इसी तरह माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करे बोलकर। और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिव जी से जरूर प्रार्थना करें। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो जरूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तो पूजा करने के बाद फल सब प्रसाद सब कोई बांट कर खा ले और जो भी फूल पत्ती बेल पत्ती है जो भी, तो आप इसे गमला में डाल दे या तो आंगन में मट्टी में डाल दे तो ये पूरा उसी में गल जाती है, तो इसे बाहर ना फेंके। और अगर आप मट्टी के शिवलिंग बना के कर रहे हैं तो उसे भी मट्टी को भी गमला में डालकर और फिर बेलपत्र को धोकर आप 6 महीना तक इसे धोकर आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो बेलपत्र कभी खराब नहीं होती है। तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार जरूर जाप करें और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला ना हो तो आप हाँ उंगली से गिनकर भी आप जाप कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मेरी पूजा आप सबको कैसे लगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, तो अब मैं साड़ी चेंज कर ली हूँ, तो आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ अब।